फार्म में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन आर्मी रैली भर्ती रिक्वायरमेंट 2020 आ चुका है, ठीक है। इसमें सोल्जर मेल फीमेल के लिए है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो स्टार्टिंग डेट 16 दिसंबर 2020 से लेकर लास्ट डेट 15 जनवरी 2021 तक है। और इसके फीस के बारे में बात करें तो ये फीस जो है, इसमें कोई फीस नहीं है, आप फ्री में इसको भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिटेशन की बात करें तो सोल्जर जनरल का जो है 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक, सॉरी 21 वर्ष तक का डेट है। और ऑल पोस्ट के लिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के लिए है। इस तरह सोल्जर का पोस्ट का नाम क्या क्या है, तो सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट है 6-7, ठीक है। पे स्केल की बात कर लें तो इंडियन आर्मी के रूल के अनुसार आपको पे स्केल मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। देखिए, कैंडिडेट कम से कम 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स साथ, और हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% होना अनिवार्य है। सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम PCM ग्रुप से पास होना चाहिए। इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा सोल्जर ट्रेड प्लान, इसमें कैंडिडेट को 10+2 पास होना अनिवार्य है और 8 क्लास पास होना अनिवार्य है। सोल्जर नर्सिंग की बात कर लें तो इसमें आपको कैंडिडेट को कम से कम 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स पास होना चाहिए और 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। अथवा आप BSc डिग्री किए हैं बॉटनी जूलॉजी या बायोलॉजी साइंस से और साथ में इंग्लिश से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो स्टोर कीपर या टेक्निकल के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना चाहिए और इंग्लिश मैथ अकाउंट बुक कीपिंग इत्यादि में, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात कर लीजिए तो कैंडिडेट कम से कम पास होना चाहिए 8 क्लास पास, ठीक है। फिजिकल डिटेल की बात कीजिए। देखिए, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर, लेकिन ऑल पोस्ट के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। वेट की बात करें तो कम से कम आपको 50 kg वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, देखिए, रनिंग आपको 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग चाहिए। बीम 9 फीट, डिश यानी ऊपर नीचे 9 फीट होना चाहिए। इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं, देखिए, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, नालंदा, रोहतास एंड शेखपुरा, यानी बिहार के इतने जिलों के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इतने जिलों के कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों। और इस फॉर्म को भरने के बाद रैली में क्या क्या चाहिए, जो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट, ये बहुत बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना आप जाएंगे वहाँ पर और आप सारा चीज़ निकाल कर, दौड़ वगैरह सब कुछ निकाल कर वापस आ जाएंगे, इसलिए पहले देख लीजिए। देखिए, एडमिट कार्ड आपका साथ में ज़रूरी है, 20 कॉपीज फोटोग्राफ, 20 ठो फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने हैं सारे चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी है चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ID, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा चीज़ आप लोग लेकर ही जाइएगा रैली में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये फॉर्म आपका आ चुका है, इसको आप क्लिक करके अभी भर सकते हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए। और इससे अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि किसी भी तरह की क्यूरी, किसी भी तरह की समस्या फॉर्म भरने में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, मैं उसका निदान बताऊंगा। तो दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद।